देश में तेजी से कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ने के बाद भी सरकार पूरा लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गया जिले के परैया में कोरोना संक्रमण का चैन तोड़ने के लिए ग्रामीणों ने स्वतः दो दिन का पूरा लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। परैया बाजार अब गुरुवार और शुक्रवार को पूर्णतः बंद रहेगा। इस बंदी में प्रशासन का कोई रोल नहीं है। परैया में बढ़ते संक्रमण के खतरे को लेकर बाजार के व्यवसायियों व ग्रामीणों ने खुद बाजार बंद करने का फैसला लिया है। व्यवसायियों ने कहा कि जिस तरह से क्षेत्र में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ रही है, वैसे में यदि लोग अभी भी सचेत व सजग नहीं हुए तो स्थिति भयावह हो सकती है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या करीब 150 हो गई है। वहीं पीएनबी के ब्रांच मैनेजर सहित 5 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं, इसलिए परैया के लोगों ने खुद बंद करने का निर्णय लिया। अगर बंद सफल रहा तो दो दिन पूरा लॉकडाउन करने वाला परैया बिहार का पहला प्रखंड होगा। क्या कारण है, किस चीज को लेकर बंद किए हैं आप लोग? कोरोना के महामारी के कारण हम लोग व्यवसायी संघ परिया बाजार सभी दुकानें स्वेच्छा से बंद किए हैं। एक कोरोना का महामारी का चैन टूटे, इसलिए दो दिवसीय बंद किए हैं। गुरुवार और शुक्रवार को हम लोग स्वेच्छा अपने पूर्वक दुकान बंद किए। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार गुप्ता, परिया बाजार निवासी। दुकानें जो आज बंद रखी हैं, उसका क्या कारण है? परैया के सभी व्यवसायी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कोरोना का बढ़ते हुए मरीजों की संख्या परैया में और 3-4 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मृत्यु के बाद सभी व्यवसायी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज अपनी अपनी दुकानें बंद रखी है और लोगों में यह संदेश देने का काम कर रहा है कि आप सभी जागरूक बने और कोरोना के प्रति दूसरे को भी जागरूक करें और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। एक दिन बंद होने से जो कोरोना का चैन है उसको कुछ भी तोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सबसे भी अपील करते हैं कि आप सब सहयोग दें। बाजार बंद है तो आज बाजार ना आए और कोरोना के चैन को तोड़ने में अपना योगदान दें।